हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित माही ब्लॉग में। और तो आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ उपस्थित हुआ हूं, तो मैं आज आपको बहुत ही खास दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सेब का सीज़न जो है कुछ दिनों पहले क्लोज़ हो चुका है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों यार सेब का सीज़न क्लोज़ होने के बाद आप देख सकते हैं कि पौधों में जो है नए तरह का जो है फूल विकसित हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा पूरा सेब का फसल हमने तोड़ दिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पौधे किस तरह से जो है ग्रोथ में जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें सेब चला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पहली फसल तोड़ने के बावजूद भी जो है इसमें जो है दोबारा से जो है फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि अगली साल हमारी फसल या तो बिल्कुल ही नहीं लगेगी, या तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो सकती है, और या तो फिर अभी जो है एक सीज़न तो चला गया है और दूसरा सीज़न जो है शायद मेरे हिसाब से जो है अभी जनवरी में आने वाला है। लगता है शायद अब सेब भी जो है साल में दो बार फसल देंगे। तो भाई मुझे इसका ज़्यादा तो पता नहीं है कि ये क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसका मेन कारण हो सकता है कि इस साल जो है काफ़ी बारिश भी हुई, और जिस वजह से जो है मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण जो है इन्होंने जो है ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है, और इसमें जो है दोबारा फूल निकलने शुरू हो गए। और इसके साथ ही जो है मुझे लगता है कि शायद इसमें जो है आगे छोटे छोटे दाने भी बन सकते हैं सेब के। तो ये जो है, और हमने ऊपर से इसमें जो है यूरिया खाद लगा दिया है, जिससे जो इसमें और भी ज़्यादा जो है पौधे ग्रोथ में चले गए हैं। तो भाई अगली साल फसल का होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जिस प्रकार से आप स्थिति देख सकते हैं। अगर भाइयों आप सब लोगों का भी ऐसा ही हाल है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।